मार्शमेलोस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि आखिर कैसे डोल के अंदर से निकली स्पिरिट ने बुक्स लेकर जा रही उस लड़की को जान से मार दिया था और अब वो उसके फ्रेंड को भी मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है। बट जैसे ही इस ड्रामा का फिफ्थ एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम एक स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में देखते हैं। दोस्तों, दरअसल ये सभी स्टूडेंट्स कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था इस स्कूल के अंदर से सभी स्टूडेंट्स को भगा देना। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी फ्रेंड की मौत अभी कुछ वक्त पहले ही हुई है। दोस्तों, अपनी फ्रेंड से दूर होकर ये लड़की बहुत ज़्यादा निराश थी, मगर तभी हम देखते हैं कि उस क्लासरूम की टीचर वहाँ आकर उस मरी हुई स्टूडेंट के लिए प्रे कर रही है और उसके बाद वो वहाँ से जा रही है। उस टीचर के जाते ही क्लास यही ख़त्म हो जाती है और वहाँ बैठी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने लगती है। पर दोस्तों, इस लड़की को अभी भी अपनी फ्रेंड की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो उस क्लास में अकेली बैठी हुई थी। जिसके कुछ देर बाद ही हम देखते हैं कि इसकी जो फ्रेंड अब इसको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है, उसकी आत्मा ने इसको अपने वश में कर लिया है, जिसके बाद ये अनजाने में अपनी क्लास टीचर को मैसेज करके अपनी क्लास में आने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी टीचर बिना वक्त गवाए इस लड़की के पास पहुँचती है। मगर क्लासरूम में आने के बाद इस टीचर का सामना एक ऐसे भयानक मंजर से होता है जो उनकी रूह को अंदर से कपा देता है। दोस्तों, दरअसल ये टीचर देखती है कि उस लड़की का सर और बाकी बॉडी कटी हुई है, पर उसके बावजूद भी वो लड़की जिंदा है, जो उससे कह रही थी कि उसके स्टूडेंट की पाव उसके बॉडी में फिट नहीं बैठ रही है। मगर टीचर इस स्पिरिट को ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद ये उस टीचर को भी जान से मार देती है और फिर वो उसकी बॉडी के निचले पार्ट को खुद के अंदर लगाकर वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ ये फिफ्थ एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। अब जैसे ही सिक्स्थ एपिसोड स्टार्ट होता है, ठीक वैसे ही हम एक लिफ्ट की रिकॉर्डिंग को देखते हैं, जिसके अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जो न जाने क्यों आम लोगों से कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था। दोस्तों, यहाँ ये लड़का अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लेता है, जैसे कि मानो उसके कानों में कोई आवाज बहुत तेज गूंज रही हो। उसके बाद वो कुछ ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि कोई उसके सामने खड़ा है, जिसको देखते ही वो डर से पीछे हट जाता है। मगर थोड़ी देर बाद ही वो लड़का भी बाकियों की तरह किसी अनजान आत्मा के हाथों मारा जाता है। पर उसके मरने के तुरंत बाद ही दो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। दोस्तों, आगे हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उसी लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो बहुत बुरी हालत में थी, जिसके बाद ये ऑफिसर्स उस लिफ्ट की रिकॉर्डिंग को चेक करके उसकी मौत की वजह पता लगाने की कोशिश करते हैं और तभी उसका जूनियर वहाँ उसके पास आकर उसे बताता है कि दरअसल जिस लड़के की लिफ्ट में मौत हुई है उसने मरने से पहले अपने स्टेटस में ये लगाया था कि उस रात को उस लिफ्ट के अंदर एक गेम खेलेगा, जिसके मेथड्स को भी उसने उसी स्टेटस में बताया था। अब इस इंफॉर्मेशन का पता चलते ही हम उस ऑफिसर को उसी लिफ्ट के अंदर जाते देखते हैं। दोस्तों, यहाँ ये ऑफिसर ये देखना चाहता था कि आखिर जिस लिफ्ट के अंदर उस लड़की की डेथ हुई है उस लिफ्ट में आखिर ऐसा क्या है और क्या सच में जिस गेम की वजह से उस लड़की की डेथ हुई है वो एक मौत का खेल है। मगर वो जाने से पहले उस गेम के सभी रूल्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि वो अपनी तरह से ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए या फिर वो राज एक राज ही रह जाए। दोस्तों, इस गेम के अंदर भी बाकी गेम्स की तरह ही कुछ रूल्स थे, जिसका फर्स्ट रूल था कि जो कोई भी पार्टिसिपेंट इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसको इस लिफ्ट के अंदर आधी रात में यानी 2 से 4 बजे के बीच में ही जाना है। इस रूल को पढ़ने के बाद ये ऑफिसर बिल्कुल वैसा करता है और रात को ठीक 2 बजे उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है और गेम के नेक्स्ट रूल को पढ़ता है, जिसके मुताबिक उसे उस लिफ्ट को इस गेम के नंबर के हिसाब से ही ऊपर और नीचे ले जाना था। दोस्तों, ये ऑफिसर इस बार भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है और ठीक वैसा ही करता जाता है जैसा उस गेम के अंदर लिखा था। मगर जब ये ऑफिसर 10th फ्लोर पर आता है तो वहाँ उसे कोई
भी नहीं दिखाई देता है, जिसके बाद वो फोर्थ फ्लोर वाले बटन को प्रेस करता है। पर जब ये फोर्थ फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर ये ऑफिसर खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई स्पिरिट, बल्कि वहां तो सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा छाया हुआ था। ये ऑफिसर अभी इस खेल को समझने में लग ही रहा था कि तभी अचानक उस लिफ्ट के अंदर अपने आप एक मिरर बनने लगता है, जिसके अंदर इस ऑफिसर की फोटो दिखाई देने लगती है। मगर इस खतरनाक नजारे को देखकर उसकी भी हवा टाइट हो जाती है और वो इस गेम के नेक्स्ट रूल के हिसाब से उस लिफ्ट के बटन को दबाने लगता है। मगर जब तक वो रूल्स के हिसाब से सेकंड नंबर को प्रेस करता कि तभी अचानक वहाँ उसकी आत्मा आ जाती है, जो 10th फ्लोर के नंबर को प्रेस कर देता है। दोस्तों, अब ये कंफर्म हो चुका था कि इस पूरे गेम का कंट्रोल अब उस स्पिरिट के हाथ में है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक अब उस लिफ्ट के अंदर एक स्पिरिट भी आ गई है, जो उस ऑफिसर को लिफ्ट का फर्स्ट बटन प्रेस करने का ऑर्डर देती है। मगर ये ऑफिसर उसकी बात मानने के बजाय उसे ऐसा करने से मना कर देता है। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑफिसर अपनी घमंड की वजह से ऐसा कह रहा था, बट हकीकत तो ये थी कि ये ऑफिसर अंदर से इतना ज्यादा डर चुका था कि इसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस स्पिरिट को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये उसको नहीं देख पा रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। मगर उसके वहाँ से जाने से पहले ही ये ऑफिसर उसको अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो उस लिफ्ट में रुककर उसके कुछ करने का वेट करने लगते हैं। और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और यहाँ भी ये स्पिरिट ठीक वैसा ही आवाज निकालने लगती है जैसा उसने उस मरे हुए लड़के के सामने निकाला था। स्पिरिट की आवाज इतनी डरावनी और भयानक थी कि इसकी वजह से उस ऑफिसर को ना चाहते हुए भी अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करना पड़ता है। और तभी ये स्पिरिट पीछे मुड़ती हुई उसे अपना फेस दिखाती है। दोस्तों, इस स्पिरिट का फेस इतना अजीब और डरावना था, जिसको देखकर इस ऑफिसर की हवा पहले से और भी ज्यादा टाइट हो जाती है और वो उसी लड़के की तरह लिफ्ट के कोने में डर कर बैठ जाता है, जिसके बाद ये स्पिरिट अपना खेल शुरू करती है और उसे भी ठीक उसी तरह मारती है जैसे उसने उस लड़के को मारा था। और सीसीटीवी कैमरे में भी लोगों को वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा था। पर तभी इस ड्रामा के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जिसको देखने के बाद आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो वहाँ वही ऑफिसर अपने फ्रेंड के साथ खड़ा था, जिसको स्पिरिट ने अभी कुछ देर पहले ही जान से मार दिया था। दोस्तों, यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये कोई ऑफिसर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी, जो खुद की डेड बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई है। और इसी इंसिडेंट के बाद इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, 7th एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम तीन लोगों की एक प्यारी सी फैमिली को देखते हैं, जिसके अंदर हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बेबी शामिल था। दोस्तों, ये लेडी अपने बेबी को लेकर अपनी मॉम के यहाँ जा रही थी, मगर जाने से पहले वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उनकी पड़ोस में कल रात कुछ लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि वो अपने घर के आगे लकी सिंबल लगाना भूल गए थे। वो अपने हस्बैंड से आगे कहती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पर तुम हमेशा इस लकी सिंबल को हमारे घर के बाहर लगाए रखना, क्योंकि ये हमें स्पिरिट और डेमन से बचाए रखेंगे। अपनी वाइफ की बातों को सुनने के बाद ये आदमी उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो इसे कभी भी नहीं हटाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इस आदमी को अब अपने घर में अकेले रहते हुए टोटल 2 दिन हो गए हैं, मगर आज वो अपने घर ड्रिंक करके आया था, जिसकी वजह से वो नशे में उस लकी सिंबल को अपने घर से हटाने लगता है। दोस्तों, यहाँ ये आदमी देखना चाहता था कि आखिर इस लकी सिंबल को हटा देने के बाद आखिर क्या होता है। ये काम करने के बाद ये आदमी वही सोफे पर सो जाता है। मगर जब आधी रात बीतती है तो हम देखते हैं कि उस आदमी के घर के अंदर अचानक बाहर से खून आ रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि जहाँ वो सो रहा था कुछ खून के बूंदे गिरने लगती है, जिससे परेशान होकर उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ है। दोस्तों, अभी ये आदमी इस इंसिडेंट को समझने में लगा ही हुआ था कि तभी उसके गेट के बाहर से एक अजीब सी स्पिरिट बाहर आती है
और उसको अपना शिकार बना लेती है और इस आदमी के मरते ही ये सेवेंथ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक करने में काफी एक्सपर्ट मानी जाती थी। दोस्तों इस लेडी के अंदर कुछ ऐसी पावर्स थी जिनकी मदद से वो गुड और बैड दोनों स्पिरिट से बातें कर सकती थी और यही हम देखते हैं कि इस लेडी ने अपने घर में एक बच्चे को किडनैप करके रखा था जिसको ये हर एक दिन बाद खाना खिलाया करती थी। दोस्तों दरअसल इस लेडी ने उस बच्चे को इसलिए अपने पास रखा था क्योंकि उसे इसके ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करना था जिसके अंदर उसे उस बच्चे को उसकी फैमिली से दूर रखना था और उसके अनुसार वो उस बच्चे की बलि तब देगी जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला होगा। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके बाद उस बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगी। और यहाँ ये लेडी अपने फैसले को सही साबित करते हुए फिक्स डेट से एक दिन पहले ही मार डालती है जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस बच्चे की आत्मा ने इस लेडी को अब अपने वश में कर लिया है जिसका ये मतलब था कि अब से ये लेडी पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि ये लेडी बहुत से लोगों की परेशानियों को इस बच्चे की आत्मा की मदद से सॉल्व करने लगती है और उसके ऐसा करने से उसे उन लोगों से ढेर सारे पैसे मिलते थे। उसके बाद इस लेडी के पास एक दिन एक ऐसी औरत आती है जो उससे कहती है कि उसका बेटा काफी दिन पहले से गायब है और उसने उसको हर जगह ढूंढा मगर बदकिस्मती से उसे वो कहीं भी नहीं मिला, इसलिए वो उसके पास अपने बच्चे को ढूंढने के लिए आई हुई है। दोस्तों इस लेडी की बातों को सुनने के बाद इस रिचुअल लेडी के अंदर मौजूद उस बच्चे की आत्मा रोने लगती है क्योंकि असल में जिस बच्चे की आत्मा इस लेडी के अंदर है वो कोई और नहीं बल्कि इसी लेडी का बेटा है जिसको उसने कुछ दिन पहले ही जान से मार के अपना गुलाम बना लिया था। इसी वजह से उसके अंदर मौजूद उस बच्चे की आत्मा अपनी मॉम से मिलने के लिए तड़प रही थी मगर तभी ये लेडी उसकी मॉम को वहाँ से भगा देती है। मगर अपनी मॉम को खुद से दूर जाता देख उस बच्चे की आत्मा से रहा नहीं जाता है और वो उस लेडी की बॉडी को फाड़ कर उससे बाहर आ जाती है। दोस्तों असल में ये बेबी बिल्कुल किसी इंसान का बेबी लग रहा था पर अफसोस कि जब तक वो अपनी मॉम के पास पहुंचता उससे पहले ही उसकी मॉम उसकी याद में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों आपको इस ड्रामा के अंदर सबसे अच्छी और सबसे डरावनी चीजें क्या लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, आपको क्या लगता है ये बेबी अब आगे क्या करेगा? क्या वो अपनी मॉम को जिंदा कर पाएगा या फिर वो भी उस लेडी की तरह लोगों को अपना शिकार बना लेगा? इसी सवाल के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे इसके सेकेंड सीजन में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।